आज हम उस्मानिया हॉस्पिटल को आए थे, पूरे मजलिस के 7 एमएलए, 2 अराकीन कानून साज काउंसिल और मजलिस के अराकीन बल्दिया। हमने ये एक 100 साल पुरानी इमारत है, एक इदारा है उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उसका नुमाया मुकाम। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टर्स निकले वो दुनिया के कोने कोने में अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, माहिर हैं। आज ये उस्मानिया मेडिकल कॉलेज बिल्कुल खस्ता हाल में आ चुका है। हॉस्पिटल पुरानी हेरिटेज की बिल्डिंग बंद होने की वजह से, क्योंकि वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में आ गई, उसमें करीब 600 बेड थे, 30 ऑपरेशन के ऑपरेशन करने के बेड वहां पर टेबल्स थे, वो बंद होने की वजह से, और साल में यहां पर 90,000 सर्जरीज होती थी, अब सिर्फ 44,000 सर्जरीज हो रही। 250 इंटेक है अंडर ग्रेजुएट का, पीजी के स्टूडेंट्स हैं, 600 आते हर साल। तो ये तमाम हालात, और कोविड के बाद आवाम ने देख लिया कि कोविड की वजह से कितना माली बोझ, कितना मॉनेटरी बोझ तमाम आवाम पर पड़ा। पहली वेव में भी उस्मानिया हॉस्पिटल में कोविड का डेजिग्नेट सेंटर बनाया गया था, बेहतरीन यहां पर इलाज भी हुआ, लोगों की मौत भी हुई, मगर अब हालात इतने बुरे हैं कि अगर आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक नई उस्मानिया की हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं बनाएगी तो और लोगों, गरीब लोगों का नुकसान इसमें होगा। हम तेलंगाना हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं चीफ मिनिस्टर से कि वो फौरन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का ऐलान करें। ये बड़े अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर ने शहर के अतराफ में 3 हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेज के क्याम का ऐलान किया और वहां पर उस्मानिया के लिए बिल्डिंग का ऐलान नहीं किया। और बार बार हमको ये पूछा जाता है कि नहीं वो हेरिटेज की बिल्डिंग, हम चीफ मिनिस्टर से साफ और वाज़े अल्फाज में कहना चाहते हैं हुकूमत से, आप वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखना चाह रहे रखिए, उसको डिमोलिश करना चाहते डिमोलिश करिए, हमको उससे मतलब नहीं। हमको मतलब है उस्मानिया में आप एक नई उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को बनाइए, 30 लाख स्क्वायर फीट की लागत से एक नई बिल्डिंग को बनाइए, 1,000 करोड़ रुपए लगता है तो लगाइए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर किसानों के लिए मिशन भगीरथा के नाम पर करोड़ों रुपए का बेहतरीन काम किए हैं। मगर आज कोविड के बाद से वो हेल्थ एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है, और कोई भी गवर्नमेंट बगैर हेल्थ को सस्टेन करे, अस्पतालों को सही करे। कल हम जब आवाम के पास जाएंगे तो वहां हमसे पूछ रही है कि क्या हमारे लिए हॉस्पिटल का इंतजाम किया आपने। तो इसलिए हम चीफ मिनिस्टर से, तेलंगाना गवर्नमेंट से, एमआईएम पार्टी इस बात का डिमांड करती है कि इमीडिएटली तेलंगाना गवर्नमेंट 30 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल यहां पर एक उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग का अनाउंसमेंट करे। 1,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के लिए, अगर चीफ मिनिस्टर इरादा कर लिए तो मुझे यकीन है कि इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर इसका सैंक्शन करेंगे। हम चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात का भी डिमांड और मुतालबा करते हैं कि आप खुद आकर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में अपने हाथों से यहां पर फाउंडेशन स्टोन लगाइए। और एक बहुत अहम काम है, क्योंकि ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि साउथ तेलंगाना है, पुराना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, पुराना महबूब नगर का जिला है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र से जो इलाके तेलंगाना को लगते हैं वहां के भी पेशेंट आते हैं, हजारों पेशेंट आते हैं, आप चल नहीं सकते यहां पर। तो इसलिए वक्त का तकाजा है, नीड ऑफ द आवर है कि तेलंगाना की हुकूमत फौरन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के लिए एक नई बिल्डिंग का सैंक्शन करें जो 30 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होना चाहिए। और नई बिल्डिंग जब बनाई जाएगी वो हेरिटेज बिल्डिंग का आर्किटेक्चर उसकी तरह होना चाहिए, नाम नहीं बदलना चाहिए, उस्मानिया का नाम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नाम भी होगा तो उस्मानिया हॉस्पिटल के नाम से होगा, वो इसमें कोई काम हम ना नाम पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते ना आर्किटेक्चर पर। हेरिटेज की बिल्डिंग है वो कुछ काम की नहीं है, खाली वो दिखाकर आप पब्लिक को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप उसको नई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करिए। ये एमआईएम पार्टी का चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड है, और इंशाल्लाह ताला हम एक जाकर चीफ मिनिस्टर से मिलकर भी इस बात का उनसे डिमांड करेंगे। शुक्रिया सर। 2015 में सीएम इधर आया, नहीं बनाए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अब हेरिटेज बिल्डिंग का बहाना नहीं बनाना, तो हेरिटेज बिल्डिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है।
हेरिटेज प्रोटेक्ट करना यकीनन चार मीनार है, मक्का मस्जिद है, मछली कमान है, किले गोलकुंडा है, सालार जंग म्यूजियम है, ये हेरिटेज को देखेंगे या आप लोगों के इंसानों की जानों को बचाएंगे? आप पेशेंट्स हैं यहाँ पर, एवरी ईयर 90,000 ऑपरेशन होते हैं गरीबों के, यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होता, लिवर ट्रांसप्लांट होता, हाइट के बाईपास सर्जरी होते, तो ये पूरा ये क्या होगा बोलो आप? और ये सुनिए सुनिए, ये हेरिटेज का बहाना बना के डेवलपमेंट नहीं कर रहे उस्माना का, हम बदा से करेंगे। आपको हेरिटेज करना है, हमारे को मतलब नहीं है बिल्डिंग से, आप तोड़ना है तोड़ो बिल्डिंग को, हमारे को हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाओ, वही आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट करो। MIM पार्टी उस्मानिया हॉस्पिटल के नाम पे, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, और हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली नई बिल्डिंग सैंक्शन करना। आपकी बात सही है, अनाउंस करें, नहीं हुआ फॉलो अप, और फॉलो अप होगा हम भी इसके ऊपर पीछे पड़ेंगे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। इन उस्मानिया हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, ऑल MIM 7 MLAs, 2 MLCs along with me, other municipal corporators have come to Usmania Hospital. And our visit is very important because of the recent announcement made by the Honorable Chief Minister of Telangana that he will be developing 3 hospitals cum medical college around Hyderabad. Now the decision of the state government has come as a shock to us, that the Honorable Chief Minister has agreed to make medical colleges and develop those medical colleges around those 3 hospitals. But the premier medical institute of Telangana and also in the erstwhile Andhra Pradesh is the Usmania Medical College and the Usmania Hospital, which has historically been servicing the poor people of the then Hyderabad state, then the erstwhile Andhra Pradesh state, and now the state of Telangana. The situation in the prevailing condition in the present Usmania Hospital are pathetic to say the least. I must really commend and congratulate the doctors who have been performing great yeoman service in Usmania Hospital, despite against all odds, because they don't have any facility over here. We know very well that the old Usmania medical building is not in use because it is in dilapidated condition. It is also known fact that in the Usmania Medical College and in this Usmania Hospital, you require a new inpatient block, a new outpatient block, an emergency block, and a nursing hostel and a training over here. This is the only hospital which has more than enough cardiology units, super specialties available over here. Every year, 250 medical students are admitted in this Usmania Medical College. So the need of the hour is to develop this Usmania Hospital. And MIM party is of the firm opinion that the government of Telangana, headed by K. Chandrasekhar Rao, should immediately sanction a new building for Usmania Medical College. And that should include a new inpatient block, new outpatient block, new emergency block, and a nursing hostel and a nursing training center over here, which are already existing. Because of closure of that old building, more than 600 beds have been scattered everywhere. People are not getting medical needs. We have seen that during COVID first wave, COVID second wave. In COVID first wave, Usmania was also a COVID designated center over here. People are in huge trouble, and in Usmania Medical Hospital, every year before the closure of the old building, 90,000 odd
surgeries are performed. Now it has been reduced to only 44,000 odd. Can you imagine 50,000 people are not getting surgeries done, which is done free of cost over here. It is, this hospital is a boon to the poor people of not only the Hyderabad city, but also especially South Telangana, the old Rangarajo district, the old Mehboob Nagar district, and even surrounding states like Karnataka and Maharashtra, people come here. So we are demanding from the Chief Minister that please immediately sanction a new building in Usmania Hospital. That new building should be constructed and should have a built-up area of more than 35 lakh square feet. That building, we demand from the Chief Minister that more than 1,000 crores, if it is needed, the government should sanction it. Because we have seen that in COVID wave, the highest number of deaths have happened in GHMC area. There has been a recent report of Indian Express wherein it said that more people died in Old City because of COVID. You know, it is very important in the interest of the poor people, in the interest of medical college, in the interest of state, that the Chief Minister should immediately announce a new building for Usmania Medical College. And let me be very clear, we are not at all concerned with that heritage building. It is for the government to decide what they want to do. We are concerned with human lives. We want the Chief Minister to save the human lives, save Usmania Medical College, save this Usmania Hospital, and that it can only be saved if a new building is constructed. You want to keep that heritage building, keep it. You want to demolish it for God's sake. Because saving a human life, not one life, but thousands of lives are being saved over here. 50,000 surgeries are not being done over here, despite having all super specialties, despite having impeccable integrity holding doctors over here, who are specialists in their own field. I am thankful to those doctors that they have not left the Usmania Medical College and gone and joined corporate hospitals. This shows their commitment to the poor people of Telangana. I demand from the Chief Minister, please construct, immediately order a new Usmania Hospital building. We are not concerned with that heritage building. The government wants to demolish it. Please demolish it. We want a new building to come up over here. We will not give government a chance to say that because heritage building, TRS government is not constructing Usmania Hospital. We are saying we are ready for it. We are demanding, please do it. And also a detailed report would be given by the concerned experts, and we will be formally representing to the Chief Minister to construct a new building. This is what is the opinion of the MIM party.